केंद्र के समान महंगाई भत्ता धारा 49 को विलोपित करना और बढ़ती उम्र के साथ पेंशन में 5% की वृद्धि की मांग को लेकर पुलिस पेंशनर संघ मध्य प्रदेश लगातार आवाज उठा रहा है। शनिवार को संघ ने इंदौर में प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में सभी जिलों से आए पदाधिकारियों ने एक स्वर में पुलिस पेंशनर्स की मांग जल्द पूरी करने की आवाज उठाई। देखिए ये खास खबर। पुलिस पेंशनर संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश व्यापी आंदोलन प्रारंभ किया है। पेंशनर्स को मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। केंद्र के समान महंगाई भत्ते से भी वे वंचित हैं। लगातार ज्ञापन देने के बाद भी सरकार की ओर से पेंशनर की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पेंशनर संघ सरकार के विरोध में शनिवार को संघ का प्रांतीय सम्मेलन इंदौर में आयोजित किया गया। सम्मेलन में विभिन्न जिलों के पदाधिकारी शामिल हुए। पूर्व आईपीएस डीएस सेंगर और रिटायर्ड डीआईजी धर्मेंद्र चौधरी की उपस्थिति में हुए सम्मेलन में सभी पेंशनर्स ने पुरजोर तरीके से मांगों के समर्थन में आवाज उठाई। प्रांतीय अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह परिहार के मुताबिक कई बार आंदोलन करने के बाद भी सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में हम अपनी संगठन की शक्ति को और मजबूत कर रहे हैं ताकि विरोध की धार तेज की जा सके। ये मध्य प्रदेश पुलिस पेंशनर संघ जिसका की जो है जिसकी स्थापना जो है पिछले 4/10/22 को मैं की गई थी, जिसका मैं संस्थापक और प्रांतीय अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह परिहार हूँ, रिटायर्ड TI। ये एक्चुअली जो है हमारा मुख्य उद्देश्य जो है पुलिस पेंशनर संघ के गठन का ये था कि जो है पुलिस पेंशनर्स की जो है तमाम लंबित मांगें जो पिछले कई सालों से राज्य सरकार के द्वारा जो है पूरी नहीं की गई, तो उनको जो है पुरजोर उठाने के लिए। और इसमें जो है मुख्य रूप से जो है 4-5 मांगें, जिसमें एक धारा मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ पुनर्गठन की जो धारा 49(6) है, जिसकी आड़ में जो है दोनों सरकारें पेंशनर्स के जो है हितों को कुठाराघात कर रही हैं और जो है जो महंगाई और भत्ता जो बढ़ता है उसको न देते हुए एक दूसरे के ऊपर जो है ढोलते हैं। 74% मध्यप्रदेश सरकार देगी, 36% छत्तीसगढ़ देगी। इस चक्कर में जो है साल भर बाद जो है हम लोगों को पेंशनर्स को जो है उसकी महंगाई भत्ता दिया जाता है, जिसके करोड़ों रुपये जो है सरकार खा जाती है और पेंशनर्स को जो है उसका जो है नुकसान होता है। और दूसरा 32 माह का एरियर लटका हुआ है और 27 माह का एरियर लटका हुआ है, वो जो है तत्काल शासन दे। सबसे जटिल मांग हमारी ये है कि जो पेंशनर्स उम्र के हिसाब से जो तमाम बीमारियां उनको घेर लेती हैं, गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए जो हमको आयुष्मान कार्ड योजना में लाया जाए, ये हमारी प्रमुख मांग है। और प्रमुख मांग ये 2005 के भर्ती जो भी शासकीय कर्मचारी हैं जिनकी जो है OPS ओल्ड पेंशन जो सरकार ने बंद कर दी है, उस OPS को लागू किया जाए। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर आज हमारे यहाँ इंदौर पुलिस पेंशन संघ इंदौर के तत्वाधान में जो है प्रांतीय सम्मेलन आयोजित किया गया। प्रांतीय सम्मेलन में विभिन्न जिलों के रिटायर्ड CSP और TI सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। सम्मेलन की समाप्ति के बाद सभी पेंशनर्स ने रैली निकालकर रीगल तिराहे पर प्रदर्शन भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, AMP News, इंदौर।